हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैंने शॉपक्लूज़ पर एक वॉच ऑर्डर किया था, ठीक है। जब वो वॉच मुझे प्राप्त हुआ तो मैंने उसे जब ओपन किया तो देखा कि वो वॉच का जो मिरर था वो डैमेज था। तो उस वॉच को इसलिए मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ, ठीक है, या रिटर्न करने जा रहा हूँ उस वॉच को। तो उसी से रिलेटेड यह वीडियो है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप रिटर्न या रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, मतलब आप चाहें तो उस प्रोडक्ट को वापस भी कर सकते हैं, ठीक है, और अपना जो फंड है वो अपने बैंक में ले सकते हैं, या फिर आप उसे रिप्लेस भी कर सकते हैं, मतलब आप प्रोडक्ट को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसी से रिलेटेड हमारा यह वीडियो है। चलिए शॉपक्लूज ऐप ओपन करते हैं। उसके बाद देखिए देखिए लेफ्ट साइड में ऊपर थर्ड लाइन दिख रही है, इस पर क्लिक करना है और अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको माई ऑर्डर में जाना है। माई ऑर्डर में जाने के बाद ये देखिए आपको फिर रिटर्न पर क्लिक करना है। रिटर्न पे क्लिक करने के बाद ये देखिए रिटर्न डिटेल्स दिया है। ये मैंने मंगाया था मेंस राउंड डेली वॉच, ठीक है। तो ये इसका जो मिरर है ऊपर का ये डैमेज निकला है, इसलिए मैं इसे रिप्लेस करूँगा या रिटर्न करूँगा, ठीक है। तो ये देखिए रिटर्न डिटेल्स दिया है, तो अपन को ये सेलेक्ट कर लेना है। प्लीज़ सेलेक्ट रीज़न फॉर रिटर्न के लिए क्या है। तो फ्रेंड्स, ना तो मुझे मिसिंग प्रोडक्ट इज इन अ रॉन्ग और डैमेज डिफेक्टिव प्रोडक्ट, आपको कैसी क्वालिटी का प्रोडक्ट रिसीव हुआ, ठीक है। अगर आपको क्वालिटी पसंद नहीं है तो क्वालिटी इशू कर दीजिए, रॉन्ग साइज है तो। लेकिन मुझे क्या है फ्रेंड्स, ये डैमेज पीस जो है ना रिसीव हुआ है, ठीक है। तो मैं डैमेज सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये लिखा प्लीज़ सेलेक्ट सब रीज़न फॉर रिटर्न, तो यहाँ से ये सेलेक्ट कर देना है। प्लीज़ सेलेक्ट सब रीज़न फॉर, तो मैं कर दूँगा पैकेज एंड प्रोडक्ट बूथ आर डैमेज, ठीक है। तो मैं इसमें लिखूँगा ओनली प्रोडक्ट इज़ डैमेज, ठीक है। और फिर यहाँ पूछ रहा है राइट योर कमेंट, ठीक है, मतलब आपको कैसा, क्योंकि मुझे जो है ना उसका मिरर डैमेज था वॉच का, ठीक है, निकला हुआ था। तो मैं उधर वो लिख देता हूँ कमेंट में। ये देखिए मैंने पहले से लिख के रखा है, ये देखिए वॉच इज़ गुड लेकिन इसका मिरर डैमेज निकला और इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी अच्छी नहीं थी, सो आई रिटर्न दिस, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने राइट कमेंट लिख दिया, राइट कमेंट। उसके बाद और नीचे आना है, ये पूछ रहा है डू यू वॉन्ट टू रिफंड और रिप्लेस, ठीक है। तो ये पूछ रहा है आप रिफंड लेना चाहते हैं या इसे रिप्लेस करना चाहते हैं, मतलब बदलना चाहते हैं इसे, ठीक है। तो अब ये पूछेगा रिफंड आप कहाँ से क्लूज़ में लेना चाहते हैं। क्लूज़ मतलब होता है कि इनका एक वॉलेट टाइप का होता है, ठीक है फिर, लेकिन उसमें अगर पहुंच जाए अगर आपको पैसा अगर रिफंड ले लेते हैं तो आप उसे बैंक में नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, ठीक है। फिर आप उसको से ना कोई प्रोडक्ट ही खरीदना पड़ेगा उस क्लूज़ बॉक्स का। और फिर दूसरा ऑप्शन दिया है रिप्लेस का, ये ठीक है रिप्लेस, ये लिखा है रिप्लेस इज़ नॉट अवेलेबल फॉर दिस प्रोडक्ट, यू विल बी रिफंडेड फॉर दिस प्रोडक्ट। अभी देखिए ये बता रहा है रिप्लेस इज़ नॉट अवेलेबल फॉर दिस प्रोडक्ट, यू विल बी रिफंड इज़ फॉर दिस प्रोडक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बोल रहा रिफंड तो अवेलेबल नहीं, मतलब रिप्लेस तो नहीं हो पाएगी वॉच, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स रिप्लेस इज़ नॉट, मतलब वापस नहीं कर सकते, मतलब दूसरी नहीं मंगा सकते इसको, बदलो आगे। तो फ्रेंड्स ये क्लूज़ बॉक्स का है, रिफंड क्लूज़ बॉक्स में ले सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट मोड फॉर रिफंड क्लूज़ बॉक्स और बैंक, तो अपन इसमें बैंक अकाउंट पर जो अपन इसे ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अपन को इसे हटा देना है, ये रिफंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रिप्लेस नहीं हो पाएगा, मतलब दूसरा नहीं आ पाएगा इसको बदल के, इस घड़ी को बदल के दूसरी नहीं आ पाएगी। तो मैं इसे बैंक अकाउंट डेबिट कार्ड इसमें जो है ना ले लेता हूँ अपना रिफंड, ठीक है फ्रेंड्स। और सबमिट कर देना है, ये लिखिए लिखा है थैंक यू द रिटर्न रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड एंड इज़ अंडर रिव्यू बाय द शॉपक्लूज सपोर्ट टीम, यू रिक्वेस्ट नंबर इज 7749400, वी सेल रिस्पॉन्ड टू यू विथ 48 वर्किंग आवर्स फॉर SMS ईमेल विथ ना, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है ना रिटर्न हो चुका है, अब जो मेरा मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया था तो उसी में जो है ना उसी के थ्रू जो है ना मेरा पैसा वापस मुझे मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी जानकारी, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है फ्रेंड्स।